गिद्ध के रूप में हम लोगों को पूरे राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत किया। किसने? हम लोग गिद्ध हैं कि उसका बहस किसी ने नहीं चलाया। एक सीमित लोग, मर्यादित लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे। कि इतनी सारे बिंदुओं को देखने आया हूँ, आपत्ति दर्ज की है, देखिए विरोध है, माफ करना, आप लोग भी किसी विषयों के बहुत गंदे ढंग से समाज में डाल देते हैं। कोई भी मुझे दिखा दे कि मैंने कहीं कहा है कि प्रशांत किशोर नाली के कीड़े हैं, यही व्याख्या अखबारों तक चली गई। आप बताओ किसी के पास होगा जो मैंने कहा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने उनको अपने श्रद्धासुमन दिया, उसके बाद चर्चाएं आई। मैंने यार कहने का एक मकसद था, यहाँ सभी हैं लोग, मैं कह रहा हूँ किसने गिद्ध के रूप में हम लोगों को पूरे राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत किया। किसने? हम लोग गिद्ध हैं? सर उनको आनी चाहिए जिन्होंने हमें गिद्ध कहा, और आप लोगों को भी चेतना आनी चाहिए कि उसका बहस किसी ने नहीं चलाया। एक सीमित लोग, मर्यादित लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसके नतीजे क्या समाज में होंगे। 25 दिन तक सभी आप लोगों में से चर्चा करते रहे, आपका इस पर क्या कहना है? मैं मौन धारण करके रहा कि नहीं, इस पर कुछ मुझे नहीं कहना है। लेकिन जब दोबारा एक आया पोस्टर तो मैंने एक ही बात कहा कि गंदे लोग ही इस तरह की गंदी बात कह सकते हैं, और जब गंदगी जहां से आती है तो समझना चाहिए कि वो कोई गंदे लोगों का स्थान है। आप बताओ, हमने तो किसी को गिद्ध नहीं कहा, लेकिन जो गिद्ध कहेगा वो गंदा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ। और जो गंदा है, गंदे लोगों के साथ हैं, गिद्ध कहने वाले लोगों में जो भी शरीक रहे हैं, मैं उनको कभी अच्छा नहीं कह सकता। तो सर बस हो गया, कहीं कुछ बातों को रघुवंश बाबू मिलने नहीं आए थे, हमारे उपाध्यक्ष हैं, इस दफ्तर की सारी कार्रवाई कार्यक्रम अभी जो चल रहा है, भविष्य में क्या उसके कार्यक्रम के निर्देश होंगे, शिवानंद जी भी आकर के निर्देश दिए हैं, सारी चीज देखे हैं, रघुवंश बाबू, तो ये उनका अपना रूटीन विजिट था। सर उनको उनको कई सारे ग्रीवांसेस थे, करीब 11 मैटर बार बार दिखा रहे थे, दो दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था कि पार्टी में कई ऐसी चीजें नहीं हो रही है, संगठन का विस्तार नहीं हो रहा, संगठन को मजबूती नहीं दी जा रही है, करीब 11 बिंदुओं पर हो सकता है कि इतनी सारे बिंदुओं को देखने आए हों। आपसे तो भेंट मुलाकात हुई ना? कमाल भाई, हमारी भेंट मुलाकात हुई, और उन्होंने भेंट मुलाकात के बाद आपको बताया होगा, जब हमारे शीर्षस्थ नेता ने बता दिया भेंट मुलाकात की बातें, तब उसे मुझे क्या बताना है। मतलब कुछ कोई गिरभांसेज नहीं ना है जी? कोई गिरभांसेज नहीं ना है? किन का? आपको एक बात हमेशा ख्याल कर लीजिए, चर्चा खूब हुई, लेकिन याद रख लीजिए ये दल और पार्टी है, और दल और पार्टी के कार्यक्रम को एक्सिलरेट करने के लिए कहना कि ग्रीवांसेस का पार्ट नहीं है, रूटीन वर्क का पार्ट है। आप लोग जो विवाद को तलाश रहे हैं, हमारे पूरी दल पार्टी में किसी स्तर पर कोई विवाद नहीं है, ये समाजवादी आंदोलन के तपा तपाए लोग हैं, 15 साल से सड़कों पर रहने के बाद भी एकजुटता बनी हुई है, और हम समाजवादी लोग भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कहाँ विवाद का प्रश्न है। सर, आपने किशोर को बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।